मौसम की अगर बात करें तो आगामी दिनों में किस तरीके का मौसम रहेगा, तापमान में कोई गिरावट दर्ज या बढ़ोतरी मिनिमम तापमान में हुई है? देखिए प्रदेश में अगले अगर हम 8 से 10 दिन की बात करते हैं तो कोई अच्छे संकेत नहीं है, और ऐसा है कि बीच में हल्की स्नोफॉल की पॉसिबिलिटी है एक से दो दिन, लेकिन उसमें भी सिर्फ 3 और 4 जिले ऐसे हैं जहां पे स्नोफॉल हो सकता है। एक तो 16-17 के आसपास है, तब हल्का स्नोफॉल ऊपर होगा, जिसमें लाहौल स्पीति, चंबा, किन्नौर और कुल्लू के कुछ हिस्से हो सकता है, शिमला का भी कुछ एरिया आ सकता है। लेकिन फिर से मैं कह रहा हूँ कि वो भी एक तरह से लाइट स्नोफॉल की संभावना है उन दिनों, और ऐसा कोई डिस्टरबेंस नहीं है अभी मेजर हमें नहीं इंडिकेट कर रहा है जो कि प्रदेश में वाइड स्प्रेड बर्फबारी दे दे और नीचे बारिश दे दे। तो कुल मिला के 8 से 10 दिन जो है प्रदेश में आमतौर पर मौसम जो है लार्जली ड्राई रहेगा, और सिर्फ यही इंडिकेशंस है कि हल्का एक दो जगह पे स्नोफॉल जो 12-13 में बहुत उसकी, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम है, क्योंकि जो इंडिकेटर्स हैं जो ओवरऑल ग्लोबल जो वेदर सिस्टम्स हैं वो काफ़ी फेवर नहीं कर रहे हैं इस साल, क्योंकि सर्दियों में ये होता है कि आमतौर पर जो ऊपर से जो ठंडी हवाएं आती हैं पोल की तरफ से और नीचे से जो गर्म हवाएं जाती है उनकी मिलने से जो है जनरली ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बनती हैं। और इस साल ये है कि जो आर्कटिक रीजन है वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है सामान्य से, तो वो ज़्यादा होने की वजह से क्या हो रहा है कि वहाँ पे लो प्रेशर वहाँ बन रहा है, तो हवाएं नीचे से ऊपर की तरफ जा रही हैं, तो एक तरह से जैसे होता है कि हवाएं नीचे से ऊपर जा रही हैं तो जेट स्ट्रीम, जो कि जेट स्ट्रीम ऐसी होती है कि सर्दियों में एक ऐसी विंड होती है जो कि तेज़ विंड चलती है जिसकी वजह से पश्चिमी विक्षोभ बनते हैं, तो वो भी नॉर्थवर्ड इस बार थोड़े हैं, ये कह सकते हैं कि आप मिड लेटिट्यूड या उससे ऊपर 35 to 65 के हिस्से में जेट स्ट्रीम ऊपर जा रही है, तो नीचे जो है हमारे यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा रह रहे हैं, स्नोफॉल कम हो रही है। तो ये कुछ जो है मैं कह रहा हूँ कि जो ग्लोबल जो वेदर पैटर्न बने हुए हैं वो फेवरेबल नहीं है। फिलहाल मिनिमम टेम्परेचर्स की बात करें सर तो कितना कितना टेम्परेचर चला, वो कहाँ सबसे कम दर्ज किया जा रहा है, कहाँ सबसे? देखिए प्रदेश में कुकुम सेरी लाहौल स्पीति में -9 के आसपास तापमान चले गए हैं, और शिमला का हालांकि थोड़ा अब्रप्ट चेंजेस हैं, आज 6 डिग्री चला गया है शिमला का, और जो हाईएस्ट टेम्परेचर है वो भी सुंदरनगर इन एरियाज में है। तो लेकिन एक चीज़ और है कि जो टेम्परेचर्स हैं वो आने वाले दिनों में बहुत कम नहीं होंगे, स्टेबल रहेंगे बल्कि सामान्य से थोड़े ज़्यादा रहेंगे। मुख्य बात यह है कि स्नोफॉल का अभी जैसे 8 से 10 दिन में कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं है कि वाइड स्प्रेड स्नोफॉल हो जाए। धुंध के लिए भी सर कोई अलर्ट जारी किया गया? हाँ, धुंध के लिए क्योंकि अभी जो विंड पैटर्न्स हैं और जो डेवलपमेंट्स हैं वो एक तरह से ऐसी हैं कि जो हवाएं हैं उसकी गति नहीं है, बिल्कुल एक तरह से ठहरी हुई हवाएं हैं, तो उसकी वजह से आप देख रहे हो कि इंडो गंगेटिक प्लेन्स में एक तरह से पूरा एक चादर बिछी हुई है फॉग की। तो हमारे पंजाब के साथ जो हमारे ज़िले हैं जिसमें बिलासपुर है, ऊना है, सिरमौर, सोलन है, वहाँ पे भी फॉगी वेदर रहेगा, सुबह सुबह फॉग होगी, वहाँ पे विजिबिलिटीज कम रहेंगी, और फिर और नीचे जाएंगे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में तो वहाँ तो दिन के तापमान भी कम होंगे, फॉग भी ज़्यादा होगा। सर अमूमन बात की जाए न्यूनतम तापमान कितना रहता था, क्योंकि जिस तरह से अभी राइज कर रहे हैं तापमान और बात की जाए पहाड़ तप रहे हैं और मैदानी इलाके ठंडे हो रहे हैं? हाँ देखिए मुख्य बात यह है कि मैदानी इलाकों में ऊपर से हवा जाती है तो वो कंडेंस्ड हवा जाती है, ठंडी हवा जाती है, तो वहाँ वो रुक जाती है, जब रुक जाती है तो वहाँ की हवा को भी वो ठंडा करती है, और दूसरी बात यह है कि वहाँ के जो दिन के टेम्परेचर हैं वो भी काफ़ी कम है। हमारे यहाँ दिन के टेम्परेचर क्योंकि सन्नी है हमारे एरिया में तो ये फ़र्क इसलिए है, और मिनिमम टेम्परेचर की आपने बात की तो प्रदेश में इस वक्त टेम्परेचर जैसे शिमला की हम बात करते हैं तो करीब करीब 2 से 3 डिग्री जो है सामान्य टेम्परेचर रहा करते थे, जो कि अभी 3 से 4 डिग्री ज़्यादा हैं, और इसी तरह से बाकी एरियाज का भी टेम्परेचर सामान्य से ज़्यादा है। आने वाले दिनों में इसी तरह के तापमान बने रहेंगे? हाँ टेम्परेचर में जैसे मैंने कहा कि कोई विंड पैटर्न्स में या कोई सर्कुलेशन में
या जो भी हमारे मौसम की प्रणाली है उसमें बड़ा अंतर नहीं दिख रहा। आगे भी एटमॉस्फेयर काफ़ी अभी स्टेबल चलेगा और टेम्परेचर जो है इसी तरह के रहेंगे, सामान्य के आसपास या इससे ज़्यादा, मैक्सिमम टेम्परेचर थोड़े सामान्य से ज़्यादा चलेगा। इससे पहले इतना ड्राई स्पेल कब दर्ज किया गया था कि इतना ड्राई स्पेल रहा है? देखिए पुराना अगर हम रिकॉर्ड निकालते हैं तो 2006-07 में जनवरी में स्नोफॉल नहीं हुआ और 1997-98 में भी नहीं हुआ। 2 साल ऐसे रहे हैं कि जब जनवरी में स्नोफॉल हमें देखने को नहीं मिला। अब अगर ये कंटिन्यू करता है स्पेल तो फिर उसमें थोड़ा हमें क्वांटिफाई करेंगे कि किस तरह से टेम्परेचर रिकॉर्ड ब्रेकिंग हुए या इस तरह का स्पेल पहले भी रहा और जनवरी से पहले नवंबर और दिसंबर कैसे रहे, ये सब चीज़ें जो है हम थोड़ा सा इसको क्वांटिफाई करेंगे।